Hello students, before starting the third method, we learn the concept of character stuffing या bind stuffing बोलते हैं उसी को. तो bind stuffing में जो problem हमको occur होता है, उस problem को third method जो कि bind stuffing है, उसमें remove किया जाता है. ठीक है, अब ये problem है क्या जो कि अपने को सेकंड मेथड में ऑकर होता है, ये हम पहले समझेंगे, तभी हमको थर्ड मेथड जो है समझ में आएगा. तो देखिए, जैसे आपका हमने देखा कि स्टार्टिंग और एंडिंग में जो है अपने हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग्स लगाते हैं, जिसके हेल्प से जो डेटा पार्ट है वो हमको समझ में आता है कि हाँ भाई, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये जो पोर्शन है ये डेटा पोर्शन है. अब एक चीज़ यहाँ पे अपने को क्लियर करनी होगी कि ये आपका स्टार्टिंग बिट, मान लीजिए हम 0110 कंसिडर कर रहे हैं, और एंडिंग के लिए भी हमने ऐसा कुछ बिट पैटर्न लेके रखा हुआ है, तो 0110 इस डेटा पोर्शन में भी तो ऑकर हो सकता है कहीं पे ना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका डेटा जो है 010110 है. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑकर हो गया कि ये जो है स्टार्टिंग जो बिट पैटर्न है, सिमिलरली हमको वैसा ही डेटा पैटर्न यहाँ पे किस में मिल गया, डेटा फील्ड में मिल गया. अब सामने वाला जो डेस्टिनेशन मशीन है वो उसको क्या समझेगा कि भाई यहाँ से फिर से जो है एक नया फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आएगी इसमें. तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम जो है थर्ड मेथड पढ़ते हैं, एंड द थर्ड मेथड इज क्या है, थर्ड मेथड हमारा बिट स्टफिंग. ठीक है, तो बिट स्टफिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है जिसको अपने को क्या करना है, सेंड करना है. कहाँ सेंड करना है, डेस्टिनेशन मशीन में सेंड करना है. तो डेस्टिनेशन मशीन में सेंड करेंगे तो यहाँ पे हमने एक बिट पैटर्न, फॉर एग्जांपल के लिए 0 और 5 टाइम 6 टाइम 1 और 0 लेके रखा हुआ है. ये हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग है, फॉर एग्जांपल के लिए, मतलब ये स्टार्टिंग में और ये एंडिंग में ये फ्लैग जो है लगने वाला है. ठीक है, अब इस डेटा को जब हम ट्रांसमिट करते हैं, तो क्या होगा कि इस डेटा पोर्शन में भी ऐसे पैटर्न अपने को ऑकर हो सकते हैं, ठीक, जैसे हमने डिस्कस किया था ऊपर. तो यहाँ पे सम नंबर ऑफ जो है बिट स्टप कर दिए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप लोग एरो के हेल्प से देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सम नंबर ऑफ बिट को स्टप करके रखा हुआ है. अब करने का रीज़न क्या है, ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 0110 इस पैटर्न में तो हमने एंडिंग स्टार्टिंग फ्लैक्स को नहीं लिया हुआ है. ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो अपने को मिलता है, फिर यहाँ से देखिए फोर्थ बिट से देखिए यहाँ से 0, फिर अपने को यहाँ पे मिल रहा है कंटिन्यूसली. यहाँ हम ओरिजिनल डेटा में देखेंगे जैसे, तो अपने को कंटिन्यूसली 1111 मिलते चल रहा है. इट मीन्स कि अगर 5 टाइम 1 के बाद कहीं पे भी 0 मिल गया तो सामने वाला जो डेस्टिनेशन मशीन है वो क्या समझेगा कि भाई मतलब ये यहाँ से कोई नया फ्रेम स्टार्ट हो रहा है. तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए यहाँ पे आफ्टर ऑकरिंग दी 5 टाइम 1, ठीक, आफ्टर ऑकरिंग दी 5 टाइम 1 हम क्या करते रहे हैं, एक 0 बिट को स्टॉप कर दे रहे हैं, एक 0 बिट को स्टॉप कर दे रहे हैं वहाँ पे. ठीक है, जिससे कि डेस्टिनेशन मशीन को समझने में आसानी हो जाती है कि अभी डेटा पार्ट कंटिन्यूसली चल ही रहा है. ओके, जिससे जो प्रॉब्लम हमको सेकंड मेथड में ऑकर हो रहा था वो प्रॉब्लम हमको यहाँ पे ऑकर नहीं होता है. हम आसानी से उस चीज़ को समझ पाते हैं, और जब तक कि फ्लैग ऑकर नहीं होता है तब तक कि उसको एक ही
फ्रेम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझ गए कि जो सेकंड मेथड था उसमें क्या प्रॉब्लम था और उसको थर्ड मेथड में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ थर्ड मेथड। थैंक यू।